तो ये है मेरे पास एक बजट एंड्रॉइड टेबलेट और इसका नाम है Realme Tab। ये टेबलेट 5 months पहले लॉन्च हुआ था और YouTube पे इसकी बहुत सी वीडियोस भी अवेलेबल है, बट इस वीडियो के अंदर कुछ आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मेरे पास जो ये टेबलेट है ये है हायर वेरियंट Realme Tab का एंड ये है 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल के साथ एंड इसके अंदर आप सिम भी लगा सकते हो एंड इसकी प्राइस नॉर्मल डेज पे है 18,000 रुपीज, बट ये मैंने बाय किया था 15,500 रुपीज के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी डील है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग एंड इसका बेस वेरिएंट आता है 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ एंड उसकी प्राइस है 14,000 रुपीज एंड उसके अंदर आप सिम यूज नहीं कर सकते। इसका एक मिड वेरिएंट भी है जिसके अंदर आप सिम यूज कर सकते हो और वो आता है 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ एंड उसकी प्राइस है 16,000 रुपीज। अगर अपन बात करें इस टेबलेट के इन हैंड फील की तो आपको इसको दोनों हाथों से ही होल्ड करना होगा क्योंकि ऑब्वियसली ये एक टेबलेट है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है एंड इसकी थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम है, जैसे कि 6.9mm की इसकी थिकनेस है और ये स्लिम फील होता है और ये टेबलेट आता है मेटल एंड बिल्ट के साथ, तो ये आपको एक प्रीमियम फील देगा एंड इस टेबलेट का वेट है 440 ग्राम एंड ये ज्यादा हेवी फील नहीं होता, ये लाइट वेट ही लगता है एंड इस टेबलेट को यूज करने के बाद अगर आप अपना स्मार्टफोन यूज करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा स्मॉल लगेगा आपका स्मार्टफोन क्योंकि टेबलेट की डिस्प्ले बहुत ज्यादा बड़ी होती है स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। इस टेबलेट के अंदर लगा है 10.4 इंच का TFT IPS डिस्प्ले एंड इसकी पीक ब्राइटनेस है 360 nits की। इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस इंडोर के हिसाब से इनफ है एंड आउटडोर के अंदर डेफिनेटली आपको इसको यूज करने में प्रॉब्लम फील होगी क्योंकि इतनी कम ब्राइटनेस के साथ आप आउटडोर में यूज नहीं कर सकते, डिस्प्ले आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो पाएगी और वैसे डिस्प्ले की क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है IPS डिस्प्ले के हिसाब से एंड अगर अपन व्यू एंगल की बात करें तो उसके अंदर आपको डिस्प्ले में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, आप किधर से भी इसको देखो आपको एकदम अच्छे से दिखाई देगी डिस्प्ले एंड इसके अंदर आप वीडियो अच्छे से इंजॉय कर पाओगे और ये 4K तक की वीडियो सपोर्ट करता है तो आप इसके अंदर 4K तक की वीडियो देख सकते हो आराम से। इस टेबलेट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर दिया गया है जो कि है स्टडी पर्पस के लिए, जैसे कि आप बुक को रीड करना चाहते हो तो इसके अंदर एक रीडिंग मोड दिया गया है, जैसे ही आप रीडिंग मोड को इनेबल करते हो तो इसके अंदर पूरी थीम ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज हो जाती है एंड इसके अंदर आई कंफर्ट भी दिया गया है, तो इसके अंदर 3 ऐसे फीचर है जैसे डार्क मोड, आई कंफर्ट एंड रीडिंग मोड, तो आपके लिए रीडिंग के मामले में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा और स्टडी पर्पज के लिए ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा फीचर है एंड आप इसके साथ लॉन्ग टाइम तक स्टडी कर सकते हो और आपको इतनी ज्यादा आंखों में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर अपन बात करें इसके कैमरे की क्वालिटी की तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है बैक पैनल पे 8MP का कैमरा एंड सेल्फी कैमरा भी आपको 8MP का देखने को मिलता है एंड अगर आपको नोट्स की फोटो लेनी है तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इनफ है और आप अच्छे से रीड भी कर सकते हो जूम करके एंड ये कुछ फोटोज है जो इसी टेबलेट के बैक कैमरे से ली गई है, तो आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और कैसे आपको फील हुई आप कमेंट करके बताइएगा एंड इसके अंदर आप 1080p 30fps की वीडियो शूट कर सकते हो एंड इस टेबलेट के कैमरे की वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगी, सेल्फी कैमरे की क्वालिटी भी ठीक ठाक है और मीटिंग्स के लिए ये इनफ है। इस टेबलेट के अंदर लगा है MediaTek Helio G80 प्रोसेसर जो कि आता है Android 11 के साथ, ये एक बजट प्रोसेसर है एंड इसके अंदर आपको इतना स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा बट इतना भी बुरा नहीं है, ये ठीक ठाक है जैसे कि आप देख सकते हो। तो अगर अपन प्रोसेसर की बात करें तो जैसे कि मैं क्लासरूम ओपन करता हूं, देखिए टैप करने के बाद कितनी देर बाद ये ओपन हो रहा है एंड इस टेबलेट के साथ आपको देखने को मिलेगा क्लीन UI का एक्सपीरियंस एंड ये एकदम अच्छा मुझे लगा। इस टेबलेट में सेल्फी कैमरा यहाँ पे है बट अगर अपन फेस अनलॉक की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्टली वर्क कर रहा है, जैसे कि पावर बटन दबाया और ये हो गया फेस अनलॉक और मुझे तो एकदम अच्छा लगा और एकदम फास्टली वर्क भी कर रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, देखिए कितना फास्टली काम कर रहा है। इसके अंदर यहाँ पे सेल्फी कैमरा मिलता है और इसके नीचे कोई भी आपको स्पीकर देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप सिम वाला यूज़ करते हो तो उसमें आपको स्पीकर पे ही बात करनी पड़ेगी, इसके अंदर कोई भी अदर यहाँ पे स्क्रीन पे स्पीकर नहीं है। इस टेबलेट का पावर बटन ऊपर देखने को मिलता है बट अगर ये राइट साइड में वॉल्यूम बटन के साथ होता तो पावर बटन को यूज करना थोड़ा इजी होता। इसके अंदर आपको देखने को मिलती है बहुत ही ज्यादा बड़ी बैटरी 7100mAh की बैटरी एंड जो की आती है 18W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, तो आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो आराम से, ये 10 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा। इसके अंदर आपको मिलते हैं 4 स्पीकर जो की आते हैं Dolby Atmos के सपोर्ट के साथ एंड इसकी क्वालिटी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ये स्पीकर नाम के नहीं काम के भी है और इसकी आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड है। तो चलिए स्पीकर को चेक किया जाए इसकी आवाज कितनी ज्यादा लाउड है।
तो ये सच में बहुत ही ज्यादा लाउड है, आपको स्पीकर खरीदने की भी जरूरत नहीं है। एंड इस टेबलेट के अंदर जो इसका 3.5 mm का जेक है वो कॉर्नर पे है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको रियलमी टेब का बेस वेरियंट बाय करना चाहिए, वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। एंड अगर आप 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हो तो उसके अंदर आपको सिम स्लॉट का एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेगा। एंड ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि अपन लैपटॉप भी वाईफाई से कनेक्ट करके ही यूज करते हैं और अपना काम चल जाता है नॉर्मली और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और इतनी ज्यादा अपने को सिम की जरूरत नहीं पड़ती है लैपटॉप के अंदर, तो आप टेबलेट को भी बिना सिम के भी यूज कर सकते हो। एंड इसके अंदर फीचर्स आपको सेम देखने को मिलेंगे सिम एंड बिना सिम वाले टेबलेट के अंदर। और आपको 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला ही बाय करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर आपको ज्यादा स्टोरेज भी मिल रहा है। एंड इसका प्रोसेसर पहले ही ज्यादा पावरफुल नहीं है, एंड इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है एंड आपको इतना ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं देगा, तो आपको 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। एंड अगर आप इसको सेल में बाय करते हो तो आपको डेफिनेटली 2000 या 3000 का डिस्काउंट आसानी से देखने को मिलेगा। तो आई होप आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।